Yes, good afternoon students. Welcome to your science class. Yesterday we have started chapter microorganisms, friend and true. तो इसमें हमने study किया था कि microorganisms क्या होती हैं. Microorganisms are the very small organisms जिनको हम नेक्ड आई से observe नहीं कर सकते हैं. ठीक है, फिर हमने ये study किया था कि where they are present. ठीक है, they are present everywhere. तो ये हर तरह के temperature को withstand कर लेते हैं. ठीक है, चाहे वो ज़्यादा हो, डेजर्ट एरिया हो या फिर पोलर रीजन हो, कम टेम्परेचर हो, हर जगह ये एग्जिस्ट करते हैं. फिर हमने इनको क्लासिफाई किया था ग्रुप्स के अकॉर्डिंग. 5 ग्रुप्स में इनको क्लासिफाई किया जाता है, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गे, फंगी एंड प्रोटोजोआ. ठीक है, नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, विच इज़ ऑन पेज नंबर 21 ऑफ योर बुक, जो आपके बुक में पेज नंबर 21 पे है. ठीक है, सो आर टूडेज टॉपिक इज यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो लेट स्टार्ट दिस. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज. मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, तो फूड आइटम्स जब हम बनाते हैं उनकी मेकिंग में, उनके प्रोडक्शन में भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं. बैक्टीरिया हेल्प अस इन मेकिंग सर्टेन फूड आइटम्स. बैक्टीरिया की हेल्प से हम कुछ फूड आइटम्स को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, ब्रेड एंड पेस्ट्रीज. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से हम कर्ड फॉर्म करते हैं मिल्क से. तो कर्ड इज़ फॉर्म जब एक प्रोटीन सेजिन मिल्क में जो प्रेजेंट होता है वो क्लम्प हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एज अ सॉलिडिफाइड मास. ठीक है, सेजिन जो है इनकी, इसकी जो कोएगुलेशन है, जब ये इकट्ठा हो जाता है, क्लम्प फॉर्म करता है, कब क्लम्प फॉर्म होंगे, जब मिल्क एसिडिक होगा. तो स्पून हम क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जो कर्ड है वो ऐड कर देते हैं. अ स्पून फुल ऑफ कर्ड कंटेन्स अ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, ये हम मिल्क में ऐड कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, कर्ड फॉर्म हो जाती है, दैट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. तो मिल्क प्लस कर्ड, कर्ड के अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है. लैक्टोबैसिलस मल्टीप्लाई होता है यूजिंग द नॉन फैट कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, जिससे कि ये एसिडिक प्रोडक्ट बनाता है, मिल्क एसिडिक हो जाता है. सेजिन कोएगुलेट्स इन एसिडिक मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. ठीक है, तो सेजिन कोएगुलेट हो जाएगा जब एसिडिक मिल्क में, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं कि कर्ड फॉर्म हो गई है. नाउ द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन इज चीज़ एंड पनीर. चीज़ एंड पनीर आर ऑल्सो मेड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस. तो लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस की हेल्प से हम चीज़ और पनीर भी इसी तरह से बनाते हैं. बैक्टीरिया एक्ट अपॉन टफ मीट. जो बैक्टीरिया है ये टफ मीट पे एक्ट करता है और इसको सॉफ्ट बना देता है. इस प्रोसेस को बोला जाता है टेंडराइजेशन ऑफ मीट. ये सेल्स जो है ये बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ की जाते हैं, ब्रेड, पेस्ट्रीज और केक को फॉर्म करने के लिए. फॉर बेकिंग ब्रेड यीस्ट अलॉन्ग विद लिटल शुगर. तो यीस्ट को एक्टिवेट करने के लिए शुगर ऐड की जाती है विद फ्लोर. ठीक है, वट एवर द फ्लोर यू आर टेकिंग, हम मैदा ले रहे हैं या आटा ले रहे हैं, दैट इज़ फ्लोर. ठीक है, तो हम अपने फ्लोर में शुगर के साथ यीस्ट ऐड करेंगे डो को बनाने के लिए. डो इज़ कैप्ट इन अ वार्म प्लेस. फिर हम इसको डो को वार्म प्लेस पे रखेंगे. जो यीस्ट जो है ये क्या करेगा, यूज़ करेगा शुगर को जो डो में प्रेजेंट है एज अ फूड. दैट मीन्स यीस्ट शुगर को ईट कर लेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, जब ब्रेकडाउन होगा शुगर का, जब ये यीस्ट शुगर को यूज़ करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल आर फॉर्म्ड. तब कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल फॉर्म होंगे. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. तो चेंजिंग ऑफ शुगर टू अल्कोहल इज़ नोन एज, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज़ नोन एज फर्मेंटेशन. द डो राइजेज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो जो हमारा डो जो है वो राइज हो जाता है, जस्ट यू कैन से डबल हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट. द वेन दिस डो इज़ यूज टू मेक ब्रेड, जब हम इससे ब्रेड बनाते हैं या बेकिंग करते हैं इसको यूज़ करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एस्केप हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और जो हमारा सब्सटेंस है वो लाइट और फ्लफी फॉर्म होता है. यीस्ट इज़ ऑल्सो यूज इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम्स. यीस्ट को हम इडली, ढोकला, डोसा फॉर्म करने के लिए भी यूज़ करते हैं. मेकिंग इडली एंड डोसा, द मिक्सचर ऑफ राइस एंड दाल इज़ फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स.
तो हम इडली और डोसा जब बनाते हैं तो राइस और दाल के मिक्सचर को कुछ घंटों के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, मिक्स करके कुछ घंटों के लिए, वेट मिक्सचर को हम कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे और ये मिक्सचर क्या हो जाएगा, राइस कर जाएगा, सोर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यीस्ट ग्रो कर जाता है। लाइकवाइज सम एल्गे लाइक क्लोरेला एंड सीवीड आर यूज एज फूड, तो कुछ एल्गे, क्लोरेला या सीवीड्स को भी हम फूड की तरह यूज़ करते हैं और ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन्स और मिनरल्स के, तो इनसे हमें प्रोटीन्स और मिनरल्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कमर्शियल यूज़ की। अभी सबसे पहले हमने स्टडी किया है, मेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, कि किस तरह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को यूज़ करके फूड आइटम्स को बनाते हैं। नाउ अब हम माइक्रोब्स के कमर्शियल यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। कमर्शियल यूज़ मीन्स हम इंडस्ट्रीज़ में कैसे इसको लार्ज स्केल पे किस तरह से यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को। यीस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, बियर, वाइन एंड एसिटिक एसिड। तो जब अल्कोहल, बियर, वाइन या एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन होगा, एसिटिक एसिड को आप विनेगर भी कह सकते हैं, जो हम लोग अपने किचन्स में यूज़ करते हैं, जिसको हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, ठीक है, तो इसके प्रिपरेशन में भी यीस्ट यूज़ होता है। फॉर दिस पर्पज़ यीस्ट जो है ये नेचुरल शुगर पे ग्रो करता है, जैसे हमारे जो फूड ग्रेन्स हैं, बार्ले, वीट, राइस या फिर फ्रूट जूसेस में नेचुरल शुगर जो होता है उस पे यीस्ट ग्रो करता है, उनके अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे अल्कोहल में चेंज कर देता है। सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, जैसे यीस्ट जो है ये एक्ट करता है शुगर पे और उसको अल्कोहल में चेंज कर देता है, इसी प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुईस पाश्चर ने ये प्रोसेस डिस्कवर किया था 1857 में। सम बैक्टीरिया आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टी, कॉफ़ी एंड टोबैको। सम बैक्टीरिया टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन एसिड्स लाइक लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। कुछ जो बैक्टीरिया है ये पार्ट लेता है प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स में, ठीक है, जैसे लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है ये सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, विनेगर भी इसी से ही हम फॉर्म करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटीज़ जो है ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ठीक है, लैब मैनुअल में भी हैं ये हमारी एक्टिविटीज़, और जो हमारे लैब मैनुअल में नहीं होंगी ये हम अलग से आफ्टर जब हम चैप्टर को डिस्कस कर लेंगे तब इन एक्टिविटीज़ को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। माइक्रोब्स आर सीन थ्रू, माइक्रोब्स को हम किसकी हेल्प से देखते हैं, इन चारों में से हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रोब्स को व्यू करते हैं, देख सकते हैं। डैश इज आर यूज एज फूड, लैक्टोबैसिलस, क्लोरेला, सीवीड, बोथ बी एंड सी। क्लोरेला एंड सीवीड्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। देन मेडिसिनल यूज़, इसको हम मेडिसिन में कैसे यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं। When we fall ill, जब हम बीमार हो जाते हैं, the doctor give us some antibiotic tablets, capsules or injections. So doctor हमें antibiotic refer करता है कि आपको ये लेने हैं। तो antibiotics होते क्या हैं पहले ये देखते हैं और इनको बनाया किस तरह से जाता है। The medicines produced by organism, तो जो medicine हम organism को, bacteria या fungus को use करके produce करते हैं, जो करेंगे क्या, जो kill कर देंगे या स्टॉप कर देंगे ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मेडिसिन्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो ये मेडिसिन बनाई किसकी हेल्प से जाती है, बैक्टीरिया और फंगी, दैट मीन्स माइक्रोब्स को यूज़ करके ये एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है। द सोर्स ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। These days a number of antibiotics are produced. अब बहुत सारे antibiotics produce किए जाते हैं bacteria fungi के help से, streptomycin, tetracycline, erythromycin are some of the commonly used antibiotics जो कि fungi और bacteria से prepare किए जाते हैं। जो first antibiotic था ये penicillin था, first antibiotic, और ये एक fungus से प्रिपेयर किया गया था, पेंसिलियम नोटेटम से प्रिपेयर किया गया था। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो मिक्स विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक, जो लाइफ स्टॉक है पोल्ट्री में हम जिनको डोमेस्टिकेट करते हैं, तो उनकी जो फूड है उसके साथ एंटीबायोटिक्स को
मिक्स किया जाता है जिससे कि उनको माइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज़ को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है। प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल यूजिंग एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर, इसको हमें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेना चाहिए। सेकेंड, वी मस्ट कम्प्लीट द एंटायर कोर्स, हमें पूरा कोर्स जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है उसको कम्प्लीट करना चाहिए। दिस कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयज द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आर बॉडी, हमारी बॉडी में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजन सेंटर करते हैं उनको ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। वी मे फॉल इल अगेन इफ़ वी डू नॉट कम्प्लीट द कोर्स, तो हम दोबारा से बीमार हो सकते हैं अगर हम अपने कोर्स को कम्प्लीट नहीं करेंगे। वी शुड नॉट टेक एंटीबायोटिक्स वेन नॉट नीडिड और इन रॉन्ग डोजेज, हमें इनकी रॉन्ग डोज नहीं लेनी होती है और जब हमें नहीं चाहिए तब भी हमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना है। सो इट मे मेक द एंटीबायोटिक ड्रग लेस इफेक्टिव, तो जब हमें चाहिए होगी तो वो अपना इफेक्ट शो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें रॉन्ग डोजेज नहीं, मतलब एक अगर हमने स्किप कर दी है एंटीबायोटिक की डोज तो ये नहीं है कि हम आफ्टर सम टाइम उसकी डबल डोज टेक कर लें, ठीक है। इसकी हमें एक ही डोज कही है डॉक्टर ने तो हमें एक ही डोज लेनी है। एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी, अगर हम एंटीबायोटिक अननेसेसरीली लेते हैं तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी टेकन व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू कॉज्ड बाय वायरसेस, तो अगर हम पे वायरस अटैक कर रहा है तो हमें एंटीबायोटिक्स नहीं लेने हैं क्योंकि ये इफेक्टिव ही नहीं होती है वायरसेस के अगेंस्ट। अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स की नेक्स्ट वीडियो में।